हमारी सरकार ने 9 साल पूरे किए हैं। ये 9 साल हमारे देश के इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण साल हैं। हमारा देश एक तरफ अमृत महोत्सव 75 साल पूरे कर रहा है और उसमें से ये 9 साल ये देश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस 9 साल में सभी क्षेत्रों में जो विकास हुआ है, देश की तस्वीर बदली है, उसको केवल देशवासियों ने नहीं दुनिया ने भी रिकॉग्नाइज किया है। जहाँ तक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए मेरे विभाग के विषय के बारे में ही 9 साल में क्या हुआ है इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे देश में जो रोड नेटवर्क था, जब हमारी सरकार आई तब 91,287 किलोमीटर था और आज उसमें 59% इंक्रीज हुई और उसमें 1,45,240 किलोमीटर हुआ है। ये जो रोड नेटवर्क बढ़ा उसके साथ हमारे NHAI में, हमारे मिनिस्ट्री में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं। एक बात है कि हम लोग सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड है, USA के बाद हमें, और हमने इस रोड नेटवर्क में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जब 91.287 किलोमीटर रोड लेंथ थी तब हमारे जो 4 लेन थे वो केवल 18,371 किलोमीटर थे, यानी 20%। अब वो जो बढ़ोतरी हुई है वो करीब 44,654%, यानी 31% बढ़ोतरी हुई है और इसके कारण स्वाभाविक रूप से ट्रैफिक डेंसिटी की तुलना में 2 लेन टू 4 लेन होना उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है। उसके बाद 2 लेन पेव शोल्डर वाले जो रोड थे वो 45,319 किलोमीटर, यानी 50% थे, अब वो 83,941 किलोमीटर हुए हैं। बाद में जो हमारे 2 लेन से भी केवल 2 लेन थे वो 27,517 थे, अब उसको हमने कम किया है और वो अब 11% हो गए क्योंकि हमने उसको 4 लेन में कन्वर्ट किया है, तो वो अभी हो गए 16,645। तो एक बहुत बड़ा परिणाम कैसा हुआ है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसका एक उदाहरण है। जो टोल हमको मिलता था वो 13-14 में वो 4,770 मिल रहा है और अभी टोल जो मिल रहा है वो 41,342 करोड़ है। यानी ये बहुत बड़ा इसमें हमने जो फास्टैग लाया है और आगे भी टेक्नोलॉजी लगातार बदल रहे हैं तो इसके जो लीकेजेस थे वो भी दूर हुए और लोगों को भी इसमें रुकने का समय भी कम हुआ है। और हम लोग अभी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 30 के पहले 1,30,000 करोड़ तक पहुंचेंगे। जहां तक ये जो वेटिंग टाइम था टोल नाजा पर, इसकी भी तकरार आप लोग भी मुझे बताते थे, 2014 में ये जो वेटिंग पीरियड था ये करीब टोल नाके के ऊपर 734 सेकंड था, 12 मिनट का। अब वो 2023 में 47 सेकंड का आया है और ये एवरेज है, पर अनेक जगह पर इससे भी कम आया। अभी टोल के ऊपर रुकने वाली तकरारें लगभग नहीं के बराबर, एक आधे बार कुछ समय होती है पर नहीं के बराबर है। और इसको अब हम धीरे धीरे जो नई टोल सिस्टम लाने का प्रयास कर रहे हैं उससे वो 30 सेकंड से भी कम हो जाएगा। तो कहीं भी आपको मालूम होगा IIM कलकत्ता ने एक स्टडी किया था तो उसमें ध्यान में आया था कि हमारे देश का करीब टोल पर रुकने से करीब 70,000 करोड़ का फ्यूल कैसा वेस्ट होता है, उसके ऊपर उन्होंने नोटिंग किया था। तो एक प्रकार से ये जैसे स्टैटिस्टिक है ये बदला हुआ है। हमने जो एवरेज था वो 11.6 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन का था, वो अभी 30 किलोमीटर तक हम पहुँचे हैं। 2021 में हम लोग 37 किलोमीटर तक थे और अभी थोड़ा कम हुए क्योंकि कोविड के समय का थोड़ा इम्पैक्ट इसमें हुआ है, पर अब हम पर डे तो हम इसको और करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि NHAI ने मार्केट में इतना क्रेडिबिलिटी और गुडविल मिलाया है कि अभी हम लोग पैसे के आधार पर जब जाते हैं तो हमें पिछले इसमें से टोल के साथ साथ हमारे 5 मॉडल्स हैं। पहला है हम जो काम करते हैं वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को काम देकर उस मोड में करते हैं। दूसरा ऐसा था कि हमने BOT मॉडल निकाला था,
जिसमें लैंड हम देते थे, बाद में पूरा कंस्ट्रक्शन वो करते थे और टेंडर के हिसाब से उनको उतने समय का पीरियड देते थे जितने समय तक उनको टोल लेने का अधिकार होता था, BOT। फिर हाइब्रिड एन्यूटी आया और फिर अभी हाइब्रिड एन्यूटी में भी हमने 40% सरकार का देते हैं और 60% में से 30% उसके होते हैं और बाकी बैंक देती है। तो हाइब्रिड एन्यूटी हमने जब BOT प्रॉब्लम में आया, जब हमारी सरकार आई थी, ये बाजू में एक बिल्डिंग, बाजू में हॉल है, आप में से कुछ पुराने पत्रकारों को याद होगा, तब यहाँ हॉल में हम सुबह 10 से रात को 1-1 बजे तक बैठते थे, बैंकर्स, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट्स, पर वो बिल उस हॉल का उपयोग करना बंद हो गया, इसका मतलब हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है। और अभी हमने 3 लाख करोड़ के NPS से बैंकों को बचाया। तो अभी हम लोग ये सब मॉडल यूज़ कर रहे हैं, उसमें एसेट मोनेटाइजेशन कर रहे हैं। तो हमने TOT और INVIT दो मॉडल लाए। INVIT मॉडल में अभी बहुत अच्छी कहानी हुई कि अभी हमारे INVIT मॉडल को हमने बॉन्ड इश्यू सब्सक्राइब करके उसका 10 दिन का टाइम रखा था और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में 10 दिन के बाद वो बेल बजा कर मुझे उसको क्लोज करना था, पर पहले ही दिन हमारे एक पास से अनुभव आया कि 7 घंटे के अंदर जो 10 दिन का काम है वो 7 घंटे में पूरा होगा और 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, इतना पैसा लोगों ने हमको दिया। मैं विशेष रूप से आप सबको अनुरोध करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप सब सैलरी वाले पीपल लोग हैं, तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 5.5% मिलेगा। अब NH है कि INVIT में आप इन्वेस्ट करिए, हम आपको 8.05% इंटरेस्ट देते हैं और ईयरली नहीं तो मंथली आपके अकाउंट में जमा करते हैं, तो बैंक के हिसाब से 3% ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलेगा और मंथली अकाउंट में जमा होगा। तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स, पत्रकार, लेखक, छोटे जो लोग सैलरी मिलाते हैं, उन लोगों को रिटायर्ड होने के बाद अपना पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना, तो मैं आप सबको आह्वान करूँगा, NHI सिक्योर्ड, 1,30,000 करोड़ का इनकम, AAA रेटिंग, तो आपकी इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारे इतना ओवर बुक है कि शायद आपको आपके कंप्यूटर पे जाके शायद मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पर अब मैंने आग्रह किया है कि अब बड़े लोगों के पैसे से नहीं तो गरीब लोगों को धनवान बनाकर उनके पैसे से NHI मैक्सिमम रोड बनाएगी, तो ये आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। तो एसेट मैनेजेशन ये एक सक्सेस स्टोरी है जो NHI के लिए बहुत अच्छी है। जो हमने बड़े बड़े हाईवे बनाए उसमें से वो सब आप देखते, मैं ज़्यादा उस पर नहीं बोलूँगा, पर NHI के बारे में एक कहावत होती थी कि NHI इन्हें पेड़ काटता है, हम लोग इन्वायरमेंट के विरोध में हैं, इस प्रकार की इमेज होती थी और मैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को हमने सर्वोच्च प्राथमिकता दी। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ जो सबसे अच्छी है कि हमने 68,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए सक्सेसफुली। ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में 12,000 ट्रांसप्लांट किए और अभी मैंने औरंगाबाद के पास पैठन में 51 पेड़, 100 साल पुराने बड़ के पेड़, ये जो सयाजी शिंदे करके एक फिल्म एक्टर है जो विलन का काम करते हैं साउथ के इंडिया, वो ये काम करने लगे आजकल NGO में, तो मैं उनकी मदद कर, वो भी आते रहते हैं। अभी आंध्र में हम बड़े प्रमाण पर ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, तो ये पूरे पेड़ सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट करके हमने पैठन में एक जगह उसका पार्क बना रहे, 51 पेड़ 100 साल पुराने, उसके फोटोग्राफ देखिए। तो हमने 68,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए, दैट इज़ ए ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ NHI एंड माई मिनिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। दूसरी बात हमने ये की है कि हमने 3,86,000 पेड़ हमने लगाए, और पेड़ लगाने के समय मेरे ध्यान में है कि छोटे पेड़ लगाने से मर जाते हैं, तो हमने 3 मीटर हाइट के पेड़ लगाए और उसको ईटैग किया है, तो आपके इस पे जाकर उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि कितने हुए। और अब बड़े प्रमाण पर हमने ये निर्णय किया है कि पेड़ लगाने का कार्यक्रम कॉन्ट्रैक्टर नहीं करेगा, क्योंकि जिसमें जिसको रुचि है वही लोग आए। तो आज पहली बार हमने बड़े प्रमाण पर ये पेड़ लगाने के लिए NGO, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और इन सब के सहयोग से, समाज के सहभाग से हम लोग पेड़ लगाने के कार्यक्रम कर रहे हैं। नर्सरी नई खुल रही है, हम उनको इक्विपमेंट दे रहे हैं और एक बड़ा ड्राइव चल रहा है, तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होने के लिए
कम से कम पेड़ कितने हम उसमें ये करेंगे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे वो स्पेसीज हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तीसरी बात, 7% प्लास्टिक हम पेट्रोल में डाल रहे हैं। चौथी बात ये, हमने बांबू का क्रैश बैरियर बनाया। ये लोगों को विश्वास ही नहीं बैठता था, तो क्रैश बैरियर भी बनाया और इंदौर की इंस्टीट्यूट में उसकी सब टेस्ट हो गई, और लोहे की तुलना में सब टेस्ट प्रूव होने के बाद अब अभी अभी NHAI चेयरमैन मुझे बता रहे थे कि दिल्ली के नज़दीक भी और अनेक जगह पर हम उसको खड़ा कर रहे हैं, और धीरे धीरे बाम्बू का यूज़ होगा जिससे किसानों को, वनवासियों को काम भी मिलेगा और ये इको फ्रेंडली होगा, तो बड़े प्रमाण पर इसका भी उपयोग कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने पहली बार दिल्ली का जो रिंग रोड है UR2, उसमें 30 लाख टन कचरा सेग्रीगेट करके रोड के अंदर डाला है। आपको मालूम है ये गाजीपुर की ठिकड़ी, उसकी 7 के 8 मीटर हाइट कम हुई है, वो कचरा हमने डाला है। अब हमने अहमदाबाद डोलेरो में, वहाँ भी हमने वो भी रोड पर 30 लाख टन कचरा यूज़ कर रहे हैं, कुछ किया है। तो धीरे धीरे अभी मैंने NHAI को कहा है कि हम कचरे को कैसे यूज़ करें, क्योंकि उसको सेग्रीगेट करना पड़ता है। सेग्रीगेट करने के लिए एक मशीन लगती है, और सेग्रीगेट करने से प्लास्टिक, ग्लास और मेटल निकलती है, उसकी भी वैल्यू मिलती है, और फिर वो कचरे को सेग्रीगेट करके हम रोड में यूज़ करते हैं, तो उसका एक स्पेसिफिकेशन है। तो हम लोग अब इसी पॉलिसी बना रहे हैं कि देश को प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता अभियान है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, उसको देश को कचरे से मुक्त करने के लिए ये पूरा कचरा जो है ये हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो मिट्टी लेना, तालाब खोदना, ये भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएंगे। एक अच्छी बात हमने की कि हमने 1500 से ज़्यादा अमृत सरोवर बनाए। मैं बहुत पहले से आपसे बहुत बार बात करते रहा हूँ, और दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ। हमारी एक पुस्तिका है, अजिंठा और बुल्ढाणा के बीच में 15,000 धनगर कम्युनिटी, जो ये जो बकरी है इसको काम कर संभालने का, वो लोग माइग्रेट होते थे। हमने पूरे रोड पर लेक बनाए, नाले और नदियों का खोलीकरण किया, और वो मिट्टी हमने हमारे रोड में यूज़ की। और पंजाब राव कृषि विद्यापीठ में 37 तालाब बना के दिए, वेटरनरी यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ चार्ज, उसके कारण कि 3,000 एकड़ ज़मीन अब 10,000 एकड़ इरीगेटेड हुई। और ये काम इतने बड़े प्रमाण पर हुआ है कि मैं तो रोड कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ, पर इस साल मुझे चार डिलीट मिली है एग्रीकल्चर साइंस की, और अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी की मिली है। और वो डिलीट मिलने का कारण ये वाटर कंजर्वेशन का भी एक काम है, और 2 डिलीट जो मिली है वो मुझे गलगोटिया यूनिवर्सिटी और SBM, तमिलनाडु की कौन सी यूनिवर्सिटी, वो SBM शायद, हाँ SRM, तो उनकी मिली है। तो ये पहली बात, तो मैं तो इतना विद्वान भी नहीं हूँ, मैं इंजीनियर भी नहीं हूँ, तो जो मिली वो इस काम के कारण मिली है, और वो भी सब हमारे टीम ने पूरा काम किया, उसका क्रेडिट है। तो ये इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में 7% प्लास्टिक यूज़ करना। अभी और अच्छी बात हुई है कि हम कोशिश कर रहे हैं, ये परली जलने से दिल्ली में नुकसान होता था, तो भाई परली से इथेनॉल बन रहा है, और 150 टन बायो बिटुमेन इंडियन ऑयल का प्रोजेक्ट हुआ, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था वो पूरा हुआ है। और अभी वो जो बिटुमेन बनाने के बजाय वो बायो एविएशन फ्यूल बना रहे हैं, तो आप जरूर इस पर लिखें। और अभी वर्ल्ड में ये नियम हो, कानून बन रहा है कि अपने पेट्रोलियम फ्यूल में, एविएशन फ्यूल में 2% बायो फ्यूल डालनी पड़ेगी। तो ये अभी 150 टन बायो बिटुमेन के बजाय दे आर कन्वर्टिंग देयर प्लांट इंटू बायो एविएशन फ्यूल, तो हवाई जहाज में जाएगा। तो परली जलाने से दिल्ली का पोल्यूशन, जिससे आपको तकलीफ होती थी, अब परली का भाव, परसों में हरियाणा गया था, अब 2,500 रुपये टन हो गया। जो परली फोकट मिलती थी, जलाई जाती थी, दिल्ली के प्रदूषण के लिए कारणीभूत होती थी, अब उसकी कीमत 2,000 रुपये और 2,500 रुपये टन हो गई। तो एक एनवायरनमेंट के लिए ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है। इसके साथ साथ हम लगातार अभी ये जो बिटुमिन बन रहा है परली से, इसमें सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन और CSIR, जो डेहराडून इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी मिलकर एक बायो बिटुमिन परली से और बायोमास से बनाने का यूनिट तैयार किया है। मेरे सामने उसकी परीक्षण दोनों ने सर्टिफाई किया है। अब हमारी कल्पना ये है कि किसान उसको खरीदी करे और बायो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वो बिटुमिन तैयार करे, और उसी क्वालिटी का बनता है। इवन बायो बिटुमिन ये इस पेट्रोलियम बिटुमिन से अच्छे क्वालिटी का है, तो ये अगर हो तो हम जरूर खरीदेंगे, क्योंकि देश को 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरी देती है, और 30 लाख टन हमारा इम्पोर्ट होता है। तो
इंपोर्ट के बजाय किसानों को मिलेगा, तो किसान अन्नदाता हो गया, ऊर्जादाता हो गया, अब बिटुमेन दाता होगा। जो ऊर्जादाता बना, जिसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए, आप ही लोग मुझे पूछते थे गाड़ी रास्ते में चार्ज होगी तो इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी तो क्या होगा, या खींच के गाड़ी लेके जाएंगे क्या, अब कोई नहीं पूछता। इलेक्ट्रिक आ गई, इथेनॉल 20% पेट्रोल में ऐड होने लगा, अब फ्लेक्स इंजन आ रहा है, बजाज टीवीएस हीरो ने स्कूटर ऑटो रिक्शा बना ली, अब टोयोटो सुजुकी की गाड़ियाँ आ रही, अगस्त में टोयोटो की आ रही, और ये गाड़ियों में 100% पेट्रोल के बजाय 100% इथेनॉल जाएगा और 40% बिजली तैयार करेगी। तो एवरेज के इकोनॉमिक्स के हिसाब से अगर रेट निकालेंगे तो पेट्रोल का भाव 15 रुपये लीटर है। तो फ्लेक्स इंजन अब देश में अगस्त में आएगा। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मिथेनॉल की, जो कोयले से बनता है, 25 रुपये लीटर। मैंने बेंगलोर में कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट को 25 बसेस को 20% मिथेनॉल डाल के प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। अब वो सर्टिफिकेट आ गया कि वो सक्सेसफुल हो गया, तो डीजल का इंपोर्ट कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा। दूसरी ओर अशोक लेलैंड ने अपना एक पूरा ट्रक मिथेनॉल पर तैयार किया। आसाम पेट्रोलियम जो है नॉर्थ ईस्ट में, वो 100 टन मिथेनॉल पर डे बनाता है। तो मैंने आसाम के मुख्यमंत्री को कहा कि आसाम के ट्रक और बसेस ये मिथेनॉल पर कन्वर्ट करो, 110 रुपये डीजल और 25 रुपये मिथेनॉल, कॉस्ट कितनी बचेगी, पोल्यूशन कम होगा। अभी विशेष रूप से मिथेनॉल के ट्रक भी आ रहे, तो मिथेनॉल भी सक्सेस हुआ और 15% मिथेनॉल डीजल में डालने के बारे में भी अब लोग वो आगे विचार हो रहा, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को हमने रिकमेंडेशन दिया, तो वो आ जाएगा तो देश का इंपोर्ट कम होगा। तीसरी बात जो इलेक्ट्रिक, इसका तो सक्सेस स्टोरी आप देख रहे हैं, कितने बड़े प्रमाण पर राइज है, वेटिंग लिस्ट है, इलेक्ट्रिक ट्रक आ रही है, इलेक्ट्रिक बसेस आ रही है। 5 साल के अंदर देश में आपको इलेक्ट्रिक बसेस दिखेगी, इतनी बसेस आ रही है, और इससे प्रदूषण कम होगा। और उसके साथ साथ हाइड्रोजन की बात आ रही है कि अभी अशोक लेलैंड टाटा ने ऐसी ट्रक और बसेस बनाई है कि जिसका जो IC इंजन है उसी में हाइड्रोजन डाल सकते हैं, तब हाइड्रोजन की भी सक्सेस स्टोरी हो गई है, अब दूर नहीं है, मेरे पास हाइड्रोजन की कार है, अब धीरे धीरे हाइड्रोजन भी पॉपुलर होगा। तो 16 लाख करोड़ का जो इम्पोर्ट है फॉसिल फ्यूल का, उसमें इतना पोटेंशियल कि ये सब करेंगे तो भी हमारा इम्पोर्ट कम करने में और कठिनाई होगी। तो इन सबको इनकरेज करके पहली बार एग्रीकल्चर को ऊर्जादाता बनाने में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सफल प्रयोग किया। अब इथेनॉल ब्रोकन राइस से, कौन से, बायोमास से, आसाम में बाम्बू से इथेनॉल बन रहा, तो ये पर्यावरण के लिए जो हमारे डिपार्टमेंट में, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में जो हमने काम किए, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने स्टील और सीमेंट के इसमें नए नए टेक्नोलॉजी लाई है, विशेष रूप से लगातार नई टेक्नोलॉजी को स्वीकारने में। हमने, आपको पता होगा कि जोजिला टनल की एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी, वो कॉस्ट जो टेंडर 4 बार निकला था और हमने 5वीं बार निकालकर उसमें करीब 5,000 करोड़ की बचत की है, 65-70% टनल पूरी हुई है। हमने एक माजोलिया बिल ब्रिज बना रहे, और जिस ब्रिज में हमने, बहुत बड़ा ब्रिज है वो, तो समुद्र में ही ब्रिज है, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 6,000 करोड़ थी, हम 680 करोड़ में बना रहे, तो इतना सेविंग उसमें हुआ। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना, NHAI ने एक मोबाइल ऐप हरित पथ लॉन्च किया है August 2020 को। उसमें हमने हमारे प्लांट्स के डिटेल कितने हुए, कैसे दिए हुए हैं, तो मुझे लगता है आप इसको ज़रूर देखिए। अभी हमारे जो हाईवे बन रहे हैं, कुछ बन गए हैं, तो उसमें से तो कुछ मैं ज़्यादा बताता नहीं, आप ही अनुभव करेंगे। दिल्ली मुंबई का, दिल्ली जयपुर का पहला पूरा हुआ दासना तक। अब प्रधानमंत्री को हमने रिक्वेस्ट की है जल्दी कि रतलाम तक का जो रोड है उसके इनॉग्रेशन की वो तारीख दे। तो दिल्ली मुंबई में, बाद में रतलाम टू गुजरात आता है, वहाँ भी काफ़ी चल रहा है, महाराष्ट्र में भी चल रहा है, तो ये JNPT तक जाएगा। तो निश्चित रूप से ये रोड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 1,386 किलोमीटर है, इसका कीमत 1,01,420 करोड़ है, 60% काम पूरा हुआ है। बेंगलोर चेन्नई 262 किलोमीटर है, इसकी कीमत करीब 16,730 करोड़ है, हमने करीब 40-45% काम पूरा किया है। दिल्ली अमृतसर कटरा, यानी दिल्ली से अमृतसर 10 घंटे लगते थे, 4 घंटे में होगा। दिल्ली से कटरा
14 घंटे लगते थे, 6 घंटे में होगा, और दिल्ली से श्रीनगर ये करीब 8 घंटे में होगा। तो ये जो रास्ता है ये आगे दिल्ली मुंबई को मिलेगा, और वैसे शुरुआत मनाली से करेंगे तो अटल टनल बनी है, जहाँ 3.5 घंटा लगता था वहाँ 8 मिनट होगा। वहाँ से फिर लद्दाख लेह तक 4 या 6 टनल बन के रोड बना रहे हैं, कुछ BRO के साथ हम काम कर रहे हैं। वहाँ से आएंगे लद्दाख लेह में, लद्दाख लेह से निकल के झोजिला है, झोजिला के बाद झेड़मोर है, झेड़मोर का श्रीनगर आएंगे, और श्रीनगर से जम्मू के बीच में हम 18 टनल बना रहे हैं, उसमें 14 बन गई है, और वहाँ से फिर डायरेक्ट हम कटरा रोड से दिल्ली आएंगे। दिल्ली से हम लोग सूरत तक जाएंगे मुंबई हाईवे से, और सूरत से हम नया ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोचीन, और ये पूरी साउथ की लिंक रहेगी। तो दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 300 किलोमीटर कम होगा, और अब दक्षिण जाने के लिए उत्तर भारत को मुंबई पुणे जाने की जरूरत नहीं, सूरत से ही बदल जाएगा। तो ये दिल्ली मुंबई की विशेषता, ये बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन होगा। बाद में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे 63 किलोमीटर, ये करीब 4-4.5 हज़ार करोड़ का काम लगभग शुरू हुआ है, और इससे 35 मिनट में कानपुर लखनऊ हो जाएगा। अम्बाला कोटपुतली बहुत अच्छा रोड है, हम इसका भूमि पूजन भी नहीं कर पाए और उद्घाटन भी नहीं कर पाए, पर ये इतना अच्छा रोड है कि आप इसके कारण काफ़ी बड़ा, अभी 20,000 पीस उसका ट्रैफिक है, 313 किलोमीटर है, ग्रीन अलाइनमेंट है, और ये 100% पूरा हुआ है, 12 हज़ार करोड़ का। फिर अमृतसर, बठिंडा और जामनगर बहुत ही सुंदर बना, मैं भी बीकानेर में देख के आया, बहुत ही सुंदर रोड है, और इसमें ये करीब 917 किलोमीटर है, 24 हज़ार करोड़ का है, 100% पूरा हुआ, ये भी प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन के लिए, नहीं 76% हुआ है, ये भी 2-3 महीने में प्रधानमंत्री जी को हमने रिक्वेस्ट किया है। दूसरा है रायपुर से विशाखापट्टनम, रायपुर में जो है कि लैंडलॉक है, तो विशाखापट्टनम पोर्ट है, और पूरे मिनरल्स रायपुर में है, रेलवे का भी ट्रैफिक जाम और रोड का भी ट्रैफिक जाम, तो ये छत्तीसगढ़ के विकास में ये बहुत उपयोगी होगा। ये जो रायपुर विशाखापट्टनम 465 किलोमीटर, 17 हज़ार करोड़ का है, 34% काम पूरा हुआ है। फिर दिल्ली का सबसे इम्पोर्टेंट रोड हमारा नहीं था, वो DDA का था, फिर वो सबके आग्रह से हमने लिया, ये UER2, ये 75 किलोमीटर है, 8 हज़ार करोड़ का है, ये लगभग 75-80% हुआ, 4 महीने में इसका इनाग्रेशन करेंगे। मुझे दिल्ली की जागरूक भी मालूम नहीं थी, मैं भी समझ नहीं पा रहा था, भाई जब इस रोड पर गया तब मुझे ध्यान में आया कि ये जो GT रोड है, पानीपत से आते हो, पेरिफेरल रोड है, उसके बाद ये रोड शुरू होता है, और ये रोड से अगर वहाँ से एयरपोर्ट आएंगे तो 2-2.25 घंटे लगेंगे, और इस रोड से जाएंगे तो 15 मिनट में एयरपोर्ट जाएंगे, 15 से 20 मिनट में, वो शिवमूर्ति के पास इतना सुंदर हुआ है। मैं NHAI चेयरमैन को कहूँगा कि एक बार आप सब लोग एक समय तय करके, हमने अंडर में, रोड के अंडर में जो शादियाँ होती थी ना, मैंने एक बार कसम खाई थी कि यहाँ किसी की भी शादी हो इसके बाद नहीं आऊँगा, 2 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसा था मैं, तो वहाँ अभी वो पूरे शादी के मंडप हो गए। तो वो अंडरग्राउंड 8 लेन रोड टनल है, और टनल नहीं है, हमने खोदा और ऊपर में स्लैब डाली है, और टनल डायरेक्ट जाती है T3, और T3 से दूसरी टनल वहाँ से बसंत विहार, वो रोड को क्रॉस करके, और उधर ऊपर में भी 8 लेन है, 16 लेन हो गया। तो ये इधर द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट इसको कनेक्टिविटी है, और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे भी अभी दिसंबर के पहले पूरा होगा, तो इसी रोड से दिल्ली मुंबई हाईवे तक जा पाएंगे। ये दिल्ली को ये UER2 और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से काफ़ी चेंज होगा। चेन्नई से सालेम ये है, ये अटका हुआ है तमिलनाडु में, इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट के हिसाब से उसमें कुछ अड़चने हैं। फिर चित्तूर से थाचर 116 किलोमीटर, इसका भी शुरू है, 3% काम हुआ है, ये भी इसकी कीमत जो है ये 4,754 करोड़ है। बेंगलोर रिंग रोड ये करीब 14 हज़ार करोड़ का है, और इसमें अभी हमने 25% काम किया है, 280 किलोमीटर का। बंगलोर कितना जाम है, आप जाओगे तो बंगलोर में अनुभव आएगा, कल मंत्री आए थे वो मुझे कह रहे थे कि अब बंगलोर में इतनी हालत है कि आप हमको टनल बना दो अंदर से, और इसलिए बंगलोर इज़ ए बिग प्रॉब्लम ट्रैफिक जाम का और पोल्यूशन का। ये रिंग रोड हम बना रहे, दिल्ली सहारनपुर डेहराडून, हम अभी दिसंबर के बाद आपको डेहराडून में 2 घंटे में और हरिद्वार में 1.5 घंटे में लेके जाएंगे। नया रोड में देख के आया हूँ, बहुत सुंदर है, 12 हज़ार करोड़ का है, इसका भी करीब 55% काम हुआ है। तो इसके साथ दुर्ग रायपुर
अरन, ये 92 किलोमीटर है, इसका भी काम शुरू नहीं हो पाया। हैदराबाद रायपुर, ये भी काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया। सूरत नासिक अहमदनगर सोलापुर 11% काम हुआ है, ये 25,000 करोड़ का है, 719 किलोमीटर। सोलापुर कर्नूल चेन्नई इसी का पार्ट है, 340 किलोमीटर, 11,000 करोड़, 13% काम हुआ है। फिर इंदौर हैदराबाद हम बना रहे हैं 525, उसका भी काम शुरू हुआ है, 68% हुआ है। खड़गपुर सिलगुड़ी, ये 235 करोड़, 9,000 करोड़ का अभी तक शुरू नहीं हुआ। कोटा इंदौर, ये उज्जैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 7% काम हुआ है, 135 किलोमीटर। नागपुर विजयवाड़ा, ये 21% हुआ है। सांचौर दिशा मेहसाना अहमदाबाद, ये 8,000 करोड़ का अभी तक शुरू नहीं पाया। बेंगलोर कड़ापा विजयवाड़ा, ये भी अभी काम शुरू कर रहे हैं। वाराणसी रांची कोलकाता, ये भी अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, ये 24,000। अटल प्रोग्रेस वे, ये भी अभी थोड़ा सा उसके अलाइनमेंट के बारे में है। मोहाली श्रीहिंद खन्ना बाईपास और मल्ले कोटला बरनाला, ये भी 4,000 करोड़ का, ये भी शुरू नहीं हुआ। तो टोटल हम ये फेज वन में 9,752 करोड़ के 406 करोड़ ऐसा इसका ये बजट है। 406 नहीं सर, कितना है? 4,06,000 करोड़, सॉरी, 4,06,000 करोड़ का ये रोड नेटवर्क है जो हिंदुस्तान की तस्वीर बदलेगा। हम 670 रोड साइड एमिनिटीज़ बना रहे हैं, उसमें से 170 में काम चालू हो गया है, और उसमें हेलीपोर्ट है, ड्रोन पोर्ट है, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स है, वो स्टेट के फूड्स है, चार्जिंग स्टेशन है, गैस स्टेशन में LNG, CNG, इथेनॉल, पेट्रोल, डीजल सब व्यवस्था है। और अभी मैंने बीकानेर में देखे, बहुत सुंदर आर्किटेक्ट्स हमने अच्छे बनाए हैं, और वो लोगों को रियली प्लेजेंट होगी, इससे बहुत बड़ा रोजगार भी खड़ा होगा। कुछ लॉजिस्टिक पार्क 2,00,000 करोड़ के बना रहे हैं हम लोग। देश में 260 प्रपोजल आए रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे के, उसमें भी अभी हमने काम शुरू किया है। केदारनाथ का बहुत इंपॉर्टेंट है, वाराणसी में बना रहे हैं, तो एक नया पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी उसकी शुरुआत हुई है। इसके साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अभी एक कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक हाईवे बनाएंगे, वो पूरी ये जो UR2 से लेकर जयपुर तक, और इसमें पहले इलेक्ट्रिक ऐसे दो जोड़ने वाले और 3 बसेस एक साथ, और बिजनेस क्लास जैसी सीटों पर भी बातचीत चल रही है, डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके कॉस्ट हमने काफ़ी कम की है। टिकट रेट 25% कम करने की मेरी इच्छा है, और लोग बिजनेस क्लास में बैठ के जाएंगे, और प्लेन में जैसा चाय पानी नाश्ता मिलता है एयर होस्टेस वैसी होगी, और स्पीड 100 किलोमीटर होगी, और लोग गाड़ियाँ जाएंगे नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जयपुर जाएंगे। और एक बार ये सक्सेस हुआ तो ये पूरे देश में रिपीट होगा। यूरोपियन कंट्री में ये आपको बसेस देखते हो, तो वैसे उसको 2 बसेस है तो 2 ट्रक के मॉडल में भी जोड़ के कर रहे हैं। टाटा ने इस पर काफ़ी काम किया है, सीमेंस ने किया है, आज ही टाटा के साथ उनके टीम के साथ मेरी मीटिंग हुई, और कॉस्ट कम करके ये BOT में हो सकता है कि ये भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले समय में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा, तो ये भी कोशिश हमारी तरफ से है। तो वैसे बताने के लिए बहुत बड़ी बातें, मैं एक काम करता हूँ कि बाकी बातें वेबसाइट पर डाल देता हूँ, और क्योंकि मैं बोलते रहूँगा तो आप बोलेंगे इसी में बहुत समय चला गया। और वैसे हमारे सेक्रेटरी भी है यहाँ, NHAI चेयरमैन भी है, कुछ स्पेसिफिक हो तो वो भी आपको बता देंगे। तो पहली बात तो ये 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड और ये इतना अच्छा काम जिसका आपके तरफ से बड़ा समर्थन मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है, YouTube में लोगों का सपोर्ट मिलता है, और काफ़ी बार क्रेडिट मुझे मिलता है, पर मेरी मेहनत बहुत कम है। क्रेडिट गोज़ टू ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स, ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, हमारे सेक्रेटरी, चेयरमैन, सब रात दिन काम करते हैं, एंड दैट इज़ विक्ट्री, यानी ये सक्सेस इज़ ए कलेक्टिव टीम है, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनका जो सपोर्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और वर्ल्ड की सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं बनेगा तब तक ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। और इसलिए वाटर, पावर, ट्रांसपोरेंट, कम्युनिकेशन को हमने प्राथमिकता दी है, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो 2024 समाप्त होने के पहले हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर स्टैंडर्ड का होगा, BR-UP का भी होगा, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा के भी होगा, ये हमारी कोशिश है, टारगेट है। आप सबकी शुभकामना के साथ हम उसमें कामयाब होंगे। एक नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा मैं छूट गया, पर नॉर्थ ईस्ट में हम 2,00,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। आप कभी नॉर्थ ईस्ट, बहुत टूरिस्ट जाने, संख्या बढ़ गई, और नॉर्थ ईस्ट का भी विकास
हो रहा, हम सबके साथ, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, यही प्रधानमंत्री जी का मंत्र है। उसी के आधार पर हम काम में कभी पॉलिटिकल डिस्क्रेशन यूज न करते हैं, सबके काम करके विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। 9 साल के उपलक्ष्य में हमारी जो लेखा जोखा है आपके सामने रखना, इसलिए मैंने अपनी बात रखी है। और इसके साथ मैं वेबसाइट को मैडम को बोल दूंगा, सब डिटेल और डाल देंगे, और आपको उसके बाद भी जो जानकारी आप जरूर पूछिए। मैं सेक्रेटरी जी और अनुराग जैन हमारे सेक्रेटरी है, और यादव जी हमारे NHAI के चेयरमैन हैं, और चंचल हमारे NHAI DCL के हमारे वो भी MD है। तो हमारी ये 3 इम्पोर्टेंट आर्म है, और मिनिस्ट्री और ये मिलकर हम लोग ये काम कर रहे हैं। ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट में और पर्वतीय क्षेत्र में NHAI DCL की स्थापना हमारी सरकार आने के बाद ही हुई, और उनको विशेष रूप से जो नॉर्थ ईस्ट का और जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें का कश्मीर और उधर काम देने का काम हमने दिया है। तो सब जगह हमने विकास कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली के बाजू में हम 65,000 करोड़ के काम कर रहे हैं, उसकी लिस्ट मैं दे दूंगा आपको, जिससे दिल्ली का ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन खत्म होगा। केवल 65,000 करोड़ दिल्ली NCERT में काम कर रहे हैं, और ये इससे दिल्ली का पोल्यूशन और ट्रैफिक जाम कम होगा। पर वैसे दिल्ली में कर रहे उतने इससे हम लोग साउथ में काम कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे हैं, और करीब 2 लाख करोड़ की तो हम टनल बना रहे हैं, और हर समय नया एक्सपर्टाइज लेकर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना। और आखिरी में एक मुद्दा बता दूं, हमारे 9 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हुआ। वी आर ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड क्वालिटी कॉन्शियस। हमारी सिस्टम डिजिटल है, टेंडर प्रोसेस ई टेंडर है, और कोई करप्शन उसमें करने का कोई कह नहीं सकता, किसी को कहीं आने की जरूरत नहीं है। पर क्वालिटी के बाद खराब किया तो हम लोग कठोर कार्रवाई करने चाहिए, इस मत के छोड़ते नहीं कॉन्ट्रैक्ट। तो ओवरऑल ये जो कुछ काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 9 साल में हुआ है, ये तो केवल ट्रेलर ही है। ऐसा ही शुभेच्छा और आशीर्वाद आगे रहती रहेंगी मोदी जी के नेतृत्व में, तो असली फिल्म आपको और आगे देखने के लिए मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यू कैन आस्क मी।